हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सरिता और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सरिता पटेल टेक्स। क्या आप भी इंस्टाग्राम की रील्स बनाते हैं और इंस्टाग्राम की रील्स अपलोड करते टाइम आपकी जो रील्स जब अपलोड हो जाती है तो आपकी रील्स है वो क्या उसमें आ जाती है जो जहाँ पे आप पोस्ट करते हैं, तो वहाँ पे अगर आपकी जो पोस्ट में रील्स ना आए इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपके लिए क्या करना है, आपको लिए हम लेकर चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, आपको बताएंगे कि आपकी जो रील्स है वो पोस्ट में ना आके रील्स वाले ऑप्शन में चली जाए। तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर आपको लेकर चलते हैं और आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपना इंस्टाग्राम ओपन कर लीजिए। यहाँ से हम इंस्टाग्राम ओपन कर लिया है, अब आपको नीचे जो रील्स का एक ऑप्शन दिखता है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये वाला, मतलब हमने रील्स के लिए ये सॉन्ग ले लेते हैं और इस सॉन्ग को कॉपी करके हम एक रील्स बनाते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। तो इस पे से हम सॉन्ग को इसको ले लेते हैं और यहाँ से हम सॉन्ग, यहाँ से यूज़ ऑडियो पे क्लिक करके हम इस ऑडियो को लेके यहाँ से हम एक फ़िल्टर लगाएंगे। तो यहाँ से देखिए हमने फ़िल्टर लगा लिया और फिर हम इस रील्स को मतलब बनाएंगे। तो जब हम रील्स को शूट कर लेंगे फिर हम आपको बताएंगे कि आपकी फीड में ना आके रील्स वाले ऑप्शन में कैसे आएगी। तो चलिए पहले हम इसको कर लेते हैं शूट। तो यहाँ से हमने इस रील्स को मतलब हमने बना लिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ आपको इस टाइप का इंटरफेस नज़र आता है जब आप एक रील्स बना लेते हैं। तो आपके लिए ऊपर आप हैशटैग लगा के कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है राइट ए कैप्शन। फिर आपको क्या करना होता है, अब आप तो आपको यहाँ नीचे ऑप्शन दिख रहा है शेयर और यहाँ पे लिख के आ रहा है शेयर सेव ड्राफ्ट। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है, एक आता है ऊपर को ऑल्सो शेयर टू फीड, जो आपको यहाँ पे ब्लू कलर का दिख रहा है। आपको क्या करना है, इसको ऑफ कर देना है। जब आप इसको ऑफ करके यहाँ नीचे शेयर टू रील्स कर देंगे तो देखिए इसको जब ऑन किया तो यहाँ केवल शेयर लिख के आ रहा है नीचे, जब इसको ऑफ करेंगे तो यहाँ शेयर टू रील्स लिख के आ रहा है नीचे की साइड में। तो इसको क्या करेंगे, जब अब इसको ऑफ करने के बाद जब हम इसे शेयर टू रील्स में जब हम इसे अपलोड करेंगे तो ये हमारे रील्स वाले ऑप्शन में जाएगी ना कि फीड वाले ऑप्शन में। तो चलिए हम इसको अपलोड करके आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ से ये हमारी रील्स है वो अपलोड हो रही है नीचे से। अब इसको जब ये अपलोड हो जाएगी तब हम आपके लिए दिखाते हैं कि ये मतलब कौन से वाले ऑप्शन में हमारी रील्स जा रही है। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ये थोड़ा सा टाइम लेती है रील्स मतलब अपलोड होने में। यहाँ से हम देख लेते हैं कि हमारी रील्स मतलब उसमें जाएगी या नहीं जाएगी। तो यहाँ से ये अपलोड हो चुकी है, यहाँ से होने वाली है अपलोड, बस हो चुकी। और फिर यहाँ से हम आपके लिए अभी दिखा देते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने ऑप्शन में, यहाँ से हम देखिए इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। और यहाँ से देखिए आप, ये हमारी रील्स वाले ऑप्शन में आ गई और फीड वाले ऑप्शन में हमारी केवल पोस्ट दिखाई देंगी आपके लिए। और रील्स वाले ऑप्शन में जाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं केवल हमारी यहाँ पर रील्स आ रही है। यहाँ से हम इसको आप प्ले करके दिखा देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारी रील्स चल रही है, आज का मौसम भी अच्छा है। तो देखिए यहाँ से हमारी रील्स में ये आ गई है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपकी रील्स फीड में आकर रील्स में कैसे जाएगी। तो आप इस तरीके से अपनी रील्स को बना के एक अलग फोल्डर में कर सकते हैं, यहाँ पे आप रील्स वाले ऑप्शन में कर सकते हैं, जो कि हमारा अकाउंट देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और मिलते हैं आपसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।